ओके रिकॉर्डिंग ओके. नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? इट डजंट रिएक्ट विद वाटर, इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम. यस, विदाउट ऑप्शन यू विल टेल मी द आंसर. अगेन बेटे, इट डजेंट रिएक्ट विद वाटर. क्या आपको लगता है कि कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता? फिर इट रिएक्ट वायलेंटली वाटर, ये वायलेंटली रिएक्ट करता है. इट रिएक्ट लेस वायलेंटली वाटर एंड बबल विल स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम. यस बेटे, नाउ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. मैम, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू द कैल्शियम. Right. Now the next question is, consider the following elements: copper, gold, silver, platinum. Which of the following element exists in free nature? Yes, free in nature. हमें एक बार रिपीट करना एलिमेंट्स. Consider the following element: copper, gold, platinum, and silver. Which of these elements exist free in nature? Yes, बेटे, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कौन से फ्री रहते हैं? गोल्ड 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 है और प्लैटिनम सिल्वर प्लैटिनम भी ठीक है और सिल्वर भी ठीक है और कॉपर. कॉपर फ्री है, मतलब मैम मिल जाता है आराम से. यस सारी है, मतलब yes. यू कैन से कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ऑल. BCD व्हाई नॉट कॉपर? कॉपर पाइराइट सुनी है कभी आपने? कॉपर ग्लैंड सुनी है बेटे? हैव यू हर्ड अबाउट इट, एनी वन ऑफ यू इन द मेटलर्जी? कॉपर की एक्सट्रैक्शन होती है पिस्मर कन्वर्टर्स में बेटे, तो जो कॉपर है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता. तो ऑप्शंस इज गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर, नॉट द कॉपर वन. कॉपर की ओर आती है, कॉपर ग्लैंड्स है, कॉपर पाइराइट्स है, जिसमें कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए जो नेटिव स्टेट में मिलने वाले हैं वो गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर है, कॉपर नहीं है. ठीक है. एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट. दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉलेबल इन वाटर. द एलिमेंट इज लाइकली टू बी कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन. यस, एक एलिमेंट है जो कैल्शियम यस कैल्शियम. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एन अलॉय इज लेस देन द प्योर मेटल, मोर देन द प्योर मेटल, इक्वल टू द प्योर मेटल, एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज लेस एंड मेल्टिंग पॉइंट इज मोर देन द प्योर मेटल. यस विद, नाउ द स्टूडेंट्स आर कमिंग दिस टाइम. हाँ जी, अगेन यू हैव इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स आर लेस देन, मोर देन और इक्वल टू द अलॉय. यू हैव अ स्टील, यू हैव आयरन, तो दे हैव इक्वल कंडक्टिविटी. दिस क्वेश्चन कांट बी कम.
यस बेटे, इवन ऑफ यू, यस अब अलॉयज है बेटे उसमें, अरमान इज गिविंग दी ऑप्शन फॉर इट, लेस देन होगी, मोर देन होगी, इक्वल टू होगी, या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज लेस एंड मेल्टिंग पॉइंट इज मोर। अब बेटे देखो कोई अलॉय है ना उसमें आपने नॉन मेटल भी ऐड कर दिया, मेटल की तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा ही होती है, अब अलॉय बन गया तो कम भी नहीं हो सकती। अब कार्बन है, अगर स्टील आपने बनाई है तो उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी कम होगी, टेल मी। यस बेटे, दिस बुक इज गिविंग द ऑप्शन कि इक्वल होगी, कैन इट बी इक्वल, यस ये कम होगी, क्योंकि बेटे अगर कोई और चीज आएगी जैसे कार्बन आ जाएगा बीच में, आयरन में स्टील जब बनाओगे तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो चीज सेम नहीं रहेगी, जनरली वो कम हो जाती है, जनरली बिकम लेस। ओके, तो अलॉयज पे आना नहीं चाहिए, चलो आगे करते हैं। When of the following, which of the following oxide of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? Iron oxide, FeO, Fe2O3, Fe3O4, and the mixture of Fe2O3 and Fe3O4. Fe3O4. You have done in 3 or 4. You will get a mixed oxide. पक्का अरमान, यू विल बी गेटिंग अ मिक्स ऑक्साइड, 3 or 4 इज अ मिक्स ऑक्साइड। ओ माय रॉन्ग आंसर आर गिवन यू, यस बेटे, एनीवन, यस अर्शीन, देर आर 3 एक्टिव स्टूडेंट्स ओनली, देर 4, Dhavnesh, Chayan, Karshin and Arman. Arman is the most active one. Rest of you, Pritika, Misty, Gun. Yes, bete. Yes, you're right. It is will be mixed. Now, element A is a soft and can be cut with knife. And without the option, which is the soft element? Potassium and sodium. So here the sodium is the option, then the option will be sodium. Which one of the following properties is not generally exhibited by ionic compound? What are the properties that is exhibited by the ionic compound? They conduct electricity. High melting point. High melting point. They have high melting and boiling point. Or they have crystalline structure. They are soluble in water. In water. They can conduct electricity in molten. In molten or aqueous state. Aqueous का मतलब होता है पानी में डाल देते हो, molten का मतलब होता है उसको पिघला देते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका मतलब क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब अलॉय है, एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? नॉन मेटल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड है विदाउट ऑप्शन, ब्रोमीन। ब्रोमीन
generally the metal react with acid to form salt and hydrogen gas. पहले मुझे दो मेटल्स के नाम बताओ जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. मैग्नीशियम एंड मैंगनीज. नहीं करते. क्यों नहीं करते? हाँ जी चल में करते हैं. करते हैं फिर करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं? यस दर्नेश. यस नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मैग्नीशियम और मैंगनीज को ऑक्सीडाइज कर देता है वो, तो आपको डिफरेंट नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स मिलती हैं रेदर देन आपको वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए. मीन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस नहीं मिलनी चाहिए. एक्वा रेजिया में रेशियो क्या होती है? हरिया विदाउट ऑप्शन. 3:1. क्या 3 है क्या 1 है? 3 नॉन मेटल बताओ जो लस्ट्रस नहीं है. आयोडीन. आयोडीन ठीक है. अच्छा उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर मेटल वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय थ्री मेटल्स बाय अदर थ्री मेटल्स. मैग्नीशियम सिल्वर जिंक कॉपर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट. कॉपर. अगेन आई रिपीटिंग इट. क्या कौन सा एक ऐसा मेटल है अगर उसका सॉल्यूशन है तो उसको अदर थ्री आगे डिस्प्लेस कर सकते हैं. आपके पास ऑप्शन है मैग्नीशियम सिल्वर जिंक कॉपर. अब कॉपर कॉपर तो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है. सिल्वर 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 से ज्यादा सिल्वर और कॉपर से कौन कम रिएक्टिव है कौन ज्यादा रिएक्टिव है? हम सिल्वर कम रिएक्टिव है. गोल्ड कम रिएक्टिव है दोनों से. सिल्वर और कॉपर बेटे गोल्ड है. सॉरी सिल्वर. सिल्वर तो लीस्ट रिएक्टिव होगा उसको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं जो रिएक्टिव है. तो सिल्वर को सारे डिस्प्लेस कर सकते हैं चाहे वो मैग्नीशियम है चाहे वो जिंक है चाहे वो कॉपर है. ठीक है ओके. अच्छा विच अमंग द फॉलोइंग अलॉय कंटेन मर्करी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. जब मरकरी लेते हैं ना किसी भी अलॉय में तो उसको स्पेशल नेम देना शुरू कर देते हैं. क्या देते हैं? अमलगम. अमलगम. तो आंसर है यहाँ पे जिंक अमलगम सोडियम अमलगम कुछ भी बोल सकते हो. रिएक्शन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर्म कंपाउंड जेड. एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन इलेक्ट्रॉन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड. Has high melting point, has low melting point, conduct electricity in molten state, occur as solid. B option. B option. Occur as solid. क्यों solid क्यों नहीं होगा? Low melting point. Low melting point, ma'am. Low melting and low melting. Air and an electron. दिए दिए दो solid बन गया. ठीक है. अब electronic configuration of three elements. X, Y and Z is X is 2, 8, Y is 2, 8, 7, Z is 2, 8, 2. Which of the following is correct? X is a metal. 2, 8. X क्या metal होगा? No. क्या होगा? No. Noble gas है. Noble gas. कौन सी? Neon. Neon. Y is a metal. क्या Y metal है? मैग्नीशियम मेटल है. मैग्नीशियम है मेटल है. मैग्नीशियम इज एटॉमिक नंबर 2.
So D option, Y is a non-metal and Z is a metal. ठीक है? D option. Although metal form basic oxides, which of the metal form amphoteric without option? Aluminium. Zinc and aluminium. Zinc and aluminium. Generally, non-metals are not good conductor of electricity. Which non-metal is good conductor of electricity then? Graphite is a non-metal or a form? A form of non-metal. Allotropic. Allotropic carbon ki hai. Electric wire have a coating of insulating material. The material you generally use is sulfur graphite, PVC, all can be used. PVC. Polyvinyl chloride polymer hota hai, that is PVC. Which of the following can undergo a chemical reaction? Magnesium sulfate plus iron, zinc sulfate plus iron, magnesium sulfate plus lead, copper sulfate plus iron. Copper sulfate plus iron. Magnesium sulfate or iron kyun nahi? Because iron is iron magnesium se least active hai. So zinc sulfate or iron kyun nahi? Again iron is kyunki zinc zyada reactive hai. Okay, last, aluminium uses for making cooking utensils. Which property of aluminium are responsibility of the same? Good thermal conductivity, good electrical conductivity, ductility, high melting point. Good thermal conductivity. Thermal conductivity. और कोई point नहीं है बेटे इसमें. High melting point. Electric conductivity की बात नहीं कर सकते, वो wires में करना है, ductility की भी wires में करना है. इसलिए आपकी option आ जाएगी first और fourth, that is good thermal conductivity and high melting point. Okay, all the best for your exam. Your exam on Saturday. ठीक है, अच्छा सा exam करके आना. Okay.